शेफाली वैद्या जी, अगर बताइए कि कानून के हिसाब से गिरफ्तारी बनती है तो ये सिलेक्टिव क्यों हो रही है? क्यों कह रही है कि अनुराग कश्यप नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? विशाखा गाइडलाइंस और नया कानून क्या कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, एडवांसमेंट के इन मामलों में? शेफाली जी देखिए, ये ऐसा क्यों कह रही है वो तो वो जानती है, मैं तो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। कोई बोल रहा है ये आरएसएस है, ये बीजेपी है, कोई बोल रहा है मुझे सास बहू सीरियल अच्छे लगते हैं। ये क्या है? दिस इज अ सीरियस टॉपिक ऑन विमेन्स राइट, जहाँ पे एक लड़की जो कह रही है कि मुझे काम के लिए मेरा यौन शोषण किया गया, उसने गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप इतना गंभीर है कि वो पुलिस में जाती है और मुझे पता चला है कि वो चड्ढा भी महिला है, गई है। शायद आप बोल रही है कि रिचा चड्ढा भी महिला है। पुलिस तहकीकात करेगी, होश आरोप लगा रही है और रिचा चड्ढा जो है वो लीगल एक्शन लेने जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। जब वो बात रहे थे बीजेपी आरएसएस व्हाटएवर, तब मैं नहीं आई थी उनके बीच में बोलने के लिए। मैं बोल रही हूँ, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि एक एक्ट्रेस ने ये गंभीर आरोप लगाया है एक डायरेक्टर के ऊपर कि उन्होंने मुझे रोल के लिए उन्होंने मेरा यौन शोषण किया और वो पुलिस में जा रही है, ऐसा मुझे पता चला। वो आरोप सही है गलत है ये तहकीकात करने वाली मैं नहीं हूं, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगी। मैं इतना ही कहूंगी, ये बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप है और ऐसी बातें बॉलीवुड में कई सालों से हो रही है, ये तो सब जानते हैं कि कास्टिंग काउच होता है। तो हमको एज अ सोसाइटी ये आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो फेक फेमिनिस्ट हैं बॉलीवुड की, जो थोक के भाव में अनुराग कश्यप को क्लीन चिट बांटते फिर रही हैं, उनसे मैं सवाल कर रही हूँ। ये वही लोग हैं जो मीटू के सामने बोल रहे थे कि बिलीव ऑल वेमेन, ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसी औरतों को जो आगे आके बोलती हैं। आज क्या हो गया? वही लोग हैं, उनके ही हैशटैग हैं जो बोल रही थी कि बिलीव ऑल वेमेन। तो आज पायल घोष को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? आज रूपा दत्ता को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? रूपा दत्ता ने तो व्हाट्सएप चैट्स तक पब्लिक किए हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं हो रही है बहस?